नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक बेहद खास शख्सियत की। शख्सियत मेरे साथ इस वक्त खुद लाइन पर हैं और इस वक्त सियासी गलियारों में इस नाम की चर्चा भी काफी हो रही, और खास तौर पर उत्तराखंड की सियासत में वैसे किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं, बिना पहेलियों को उलझाए हुए सीधा रुख कर रहा हूँ। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। प्रदीप टम्टा कांग्रेस के अनुभवी और सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। टम्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका। आज प्रदीप टम्टा जी के साथ एक खास चर्चा हम करेंगे। प्रदीप टम्टा, उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के अनुभवी चेहरे तो है ही, साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी बेहद खासम खास में से एक है। प्रदीप टम्टा उत्तराखंड की सियासत में एक जाना माना चेहरा है। आज उत्तराखंड में चर्चा इस बात की है कि हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में क्या फैसला होने वाला है। क्या हरक सिंह रावत को कांग्रेस आलाकमान माफी देने के लिए तैयार है? लेकिन इसके साथ फिर कर साथ लो यार, सवाल ये तुम भी है, जी सकते हो। सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत हरक सिंह रावत को माफ करने को तैयार है? मैं सीधा रुख कर रहा हूं। प्रदीप टम्टा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और टम्टा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपने अपना कीमती वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया को दिया। टम्टा जी कैसे हैं आप? टम्टा जी आपका फोन जी, बिल्कुल टम्टा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दूध दे दो, गर्म दूध दे। हाँ प्रदीप टम्टा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप टम्टा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप टम्टा जी को आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन यहां पर चुपी बात नहीं हरक कर रहा सिंह हूँ, रावत को अपने आप करेंगे। क्यों माफ मैं नहीं उनको कर कह रहे देता हरीश हूँ। रावत, ये भी एक सवाल है। और इस वक्त प्रदीप टम्टा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। टम्टा जी से मेरा सीधी बात हो रही है। टम्टा जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं कुछ नहीं आ रहा आपका तो बिल्कुल। आप टम्टा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है और आप मुझे सुन पा हाँ रहे हैं? जी मैं बिल्कुल आप बिल्कुल 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 लाइव है, हम एक दूसरे से इस वक्त। और टम्टा जी मेरा पहला सवाल आपसे ये कि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोग टम्टा को भी जी नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। लोग तिलक चावला देहरादून आए हैं और टम्टा जी दिल्ली में मौजूद है। देहरादून में तो बहुत सर्दी है और तब भी नहीं नहीं सर्दी नहीं है। मैं भी उत्तराखंड में हूँ, मैं भी अपने क्षेत्र में हूँ, अल्मोड़ा के एक दूरस्थ इलाके सोमेश्वर विधानसभा में हूँ। मैं भी बिल्कुल अच्छा, उत्तराखंड में ही हूँ। मतलब आप दिल्ली की सियासी तपिश से दूर हैं टम्टा जी इस वक्त? मैं एकदम बहुत दूर हूँ। मैं उत्तराखंड के सर जी में जो जो सियासी स्ट्रगल है कि 2022 में कांग्रेस आई तो मैं उसकी तैयारी में हूँ। उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अब क्योंकि खट्टे मीठे कुछ सवालों के सिलसिले को शुरू करूं टम्टा जी, आपने जी जी कहा कि जी आपकी सियासी तपिश दिल्ली से दूर है, लेकिन दिल्ली जी में तो बहुत ज्यादा इस वक्त माहौल गर्म है। और गर्म क्यों है आप समझ रहे हैं? आप हरक जी सिंह जी रावत से इतने नाराज क्यों हैं? मैं हरक सिंह राव से नाराज नहीं हूं। मैं वो 2016 का जो हम एक चुनी हुई सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार को, एक षड्यंत्र के द्वारा, एक धनबल के द्वारा गिराया गया था, और एक समय एक रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी। और आपने देखा होगा कि उस हत्या को बचाने के लिए हमको देश की हाई कोर्ट से के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां से हमको राहत मिली। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो प्रयोग अन्य राज्यों में भी किए, गोवा में किए, अरुणाचल प्रदेश में किए, चुनी हुई सरकारों को तहस नहस करने का काम मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ। इसलिए 2016 हमारे लिए, हमारे जहन में, इस देश के लोगों के जहन में है कि क्या एक लोकतांत्रिक सरकारों को अपना पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया जाएगा।
सरकारों को बदलने का और सरकारों को चुनने का इस देश के संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। किसी को षड्यंत्र करके गिराने का अधिकार इस देश का ना संविधान देता है ना लोग देते हैं। इसलिए मुझे हरक सिंह जी से उनके लोगों से वो है कि आपने एक चुनी हुई सरकार के लोकतंत्र के प्रति अपराध किया था, उत्तराखंड की जनता के प्रति अपराध किया था। बिना उसी अक्षम अपराध के आपको हम कैसे कबूल कर लें? और ये हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह आवाज है, और सिर्फ कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं, उत्तराखंड के लोगों की आवाज है। टंटा जी, मैं उत्तराखंड के लोगों की बात करूंगा आपसे। जी जी जी, मैं जितना आपको जानता हूँ बतौर राज्यसभा सांसद से ज्यादा। जी जी, आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वालों में से हूँ। मैं बतौर राज्य आंदोलनकारी आपसे बात करूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। टंटा जी, आज तिलक चावला एक सवाल पूछता है। जी जी, सवाल ये है तिलक चावला का कि उत्तराखंड की रक्षा कौन करेगा? अगर मैं राज्य आंदोलनकारियों के होने के नाते मेरा पहला सवाल है, तो ये उत्तराखंड की आप लोग बात करते हैं, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? ये उत्तराखंड की रक्षा हम करेंगे, उत्तराखंड के लोग करेंगे। और इस समय सवाल भी यही है जो हमारे नेता हरीश राउत ने भी इस सवाल को कहा कि उत्तराखंडियत आज संकट में है, और उत्तराखंड कोई का मतलब है इस हजारों साल के सोपान में। कोई हजार वर्ष पहले आया है, कोई 5-10 साल पहले इस राज्य में आया है और अपनी श्रम से अपने मेहनत से इस राज्य को संवारा है। ये राज्य विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न जातियों का है, जिन्होंने पल पल में इस राज्य के स्मृति के लिए काम किया है। मैदानी क्षेत्र में, बाबर में, पहाड़ में, ये सब का राज्य आज उस उत्तराखंड के पास संकट है। उन्हीं उत्तराखंड के लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार को गिरते हुए देखा था, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखा था। आज सवाल कांग्रेस, जी जी, आज आप चौकीदार बन के कांग्रेस के गेट के बाहर खड़े हैं, जो एंट्री लेना चाह रहे हैं वो एंट्री लेना चाह रहे हैं। आप संकेत क्या दे रहे हैं कि अंदर नहीं घुसने देंगे आप? देखिए, मैं कौन होता, मैं एक सिख साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, प्रदीप टमटा है। सारे लोग जो दिल्ली, जो देश की राजनीति में, प्रदेश की राय में अहम रोल है, आप उनको सबको दिल्ली की तपिश जमीन पर राज्य का निर्णय लेते हुए देख रहे होंगे। प्रदीप टमटा एक साधारण सा कार्यकर्ता है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में, जन आंदोलन में, बंद आंदोलन में, शराबबंदी आंदोलन में, समाज के सबसे कमजोर के दलितों की आवाज को उठाने में काम किया, और इसलिए मैं उत्तराखंड की जमीन से ही उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो ये लेने की एंट्री देने की बात सोच रहे हैं, वो सबसे पहले सोच लें, इन 4-4.5 सालों में उत्तराखंड कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने, लोग सोच नहीं पा रहे थे कांग्रेस उठेगी, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर इस भाजपा सरकार की बदहाली के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दल में ये उत्तराखंड में है। 2 साल में कोरोना के काल में किस तरह की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। ये सरकार खुद कह रही कि 28,000 पद रिक्त हैं, हम इनको भरेंगे। अरे भले भाई महानुभाव, 4.5 साल तक तुम क्या करते रहो, 4,500 पदों को तुमने क्यों नहीं भरा? ये सवाल है कि ये सारे सवाल है। उनके खिलाफ कांग्रेस की सरकार के कार्यकर्ता सड़कों में आए, लाठियां कहीं, डंडे गए, जेल गए, और आज उत्तराखंड की जनता को भरोसा, तो क्या करेंगे आप? सवाल हरीश रावत जी के प्रति थोड़ी अपराध किया है, सवाल कांग्रेस के प्रति थोड़ी अपराध किया है। अपराध उत्तराखंड, आप साक्षी हैं, जब उनकी सरकार के पीठ पे खंजर घोपा गया था, आप साक्षी हैं। किसने घोपा था खंजर? ये सारे लोग जो आज एंट्री के दरवाजे, उनमें से एक आज एंट्री के दरवाजे में खड़े हैं, ये सब लोग थे। और उस समय हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। आखिर क्या कारण है, क्या एक व्यक्ति आज इतना बड़ा हो चुका है कि कांग्रेस जैसी 100 साल से ऊपर लोकतांत्रिक पार्टी को, प्रगतिशील पार्टी को, जो जनता की आवाज है, स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है, जो दलितों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज है, वो एक व्यक्ति उसको कि आने से के बिना काम नहीं चलेगा? यानी हरीश रावत 2016 का बदला ले रहे हैं। हरीश रावत कोई बदला, हरीश रावत जी कहां बदला रहे हैं? हरीश रावत जी ने जो सवाल उठाया वो हरीश रावत जी का सवाल नहीं है, वो इस राज्य के लाखों लोगों का सवाल है
कि हमारी चुनी हुई सरकार को सडेंग के द्वारा क्यों गिराया था, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था, सब लोग जानते हैं संविधान की हत्या हुई थी। क्या इस माफ को हरीश राव जी माफ कर दें, कांग्रेस माफ कर दे, लेकिन उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। और प्रदीप टम्टा उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ा है। आप ये कह रहे हैं माफ नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत किसी भी कीमत पर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। मैंने समझता हूँ इसमें उत्तराखंड की जनता कह रही है, इस तरह की राजनीति को आज खत्म होने के कगार में है। तो जब खत्म होने के कगार हम इस तरह के अवसरवादी लोगों को क्यों पनपाए, ये हमारे ऊपर सवाल है। 6 महीने पहले हमने कहा था कि कर्मकार बोर्ड में 3,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। ये हमने कहा था कि जो श्रमिक है उनके लिए जो वेलफेयर की स्कीमें थी, भारत सरकार के ज्यादा पैसा आ रहा था उसमें गंवनवाया रहा, साइकिलें लोगों को नहीं मिली, ये हमने सवाल उठाया था। आज हम कैसे इस अपराध को क्षम कर देंगे, हम क्या जवाब देंगे? जब प्रदेश की जनता पूछेगी हमसे, प्रदीप टम्टा से पूछेगी, प्रदीप टम्टा क्या उत्तर देगा मुझे सारे लीडर मुझे बता दें। अगर उनकी वापसी होगी तो? वापसी होगी तो ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। हम अपनी भावनाओं को कह सकते हैं, हम उत्तराखंड राज्य की भावनाओं को कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो फीडबैक मिली है, जो कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं, अब मुझे बहुत से जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने भी कहा कि इस तरह की जो अवसरवादी राजनीति आज अंतिम और विरासत अपनी विरासत को से दूर जा रही है, लोग खत्म हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कांग्रेस भूल के भी क्या कहते हैं वो न दे ताकत, न दे। अगर कांग्रेस ने ताकत दी, चमटा जी वो कह रहे 100 बार माफी मांग लूंगा हरीश रावत। मैंने आपसे कहा भी है ना, माफी ना अपराध कांग्रेस हरीश राव जी के प्रति हुआ है, ना अपराध कांग्रेस के प्रति हुआ है, अपराध लोकतंत्र के प्रति हुआ है। आप ही बताइए, आप ही 2016 नहीं नहीं टमटा जी, लेकिन यदि तो सच है ना कि प्रीतम सिंह हो या फिर दूसरे गुट के नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि वेलकम है हरक सिंह रावत का, हरीश रावत और आप ही तो फूटा गाड़ी हुए। देखिए एक बात बताइए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों पर 4.5 साल तक कांग्रेस की मजबूत करने का जिम्मे था, कांग्रेस मजबूत भी हुई, आज उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि कह रहे कि नहीं ये वेलकम है, इनके आने की वजह से क्या कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया ना इन 4 सालों में। प्रीतम सिंह जी भी अध्यक्ष थे, आपने आह्वान किए, लोगों ने कहते धरने दिए, तहसील स्तर पर दिए, जिले स्तर पर दिए, राजधानी स्तर पर दिए, पुलिस के डंडे खाए, और तब ये सिरमान जी क्या कहते सरकार के हिस्से थे? क्या इन्होंने कभी कहा कि मैं इस सरकार को क्या कहते इसने लोगों की धन भावनाओं को के साथ खिलवाड़ किया है? क्या ये इन्होंने कहा कि 2 सालों में 4 सालों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, इसलिए ये सरकार जिम्मेदार है, मैं इस्तीफा दे के आता हूं? कल तक दिल्ली आने तक जो कह रहा है कि मेरे रगों में भाजपा का खून है, जो कह रहा है कि मैंने वादा किया था कि मैं अमित शाह जी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, अमित शाह जी ने मुझे छोड़ दिया। अरे पहली सरकार जी मैं भी विधायक था, आप कांग्रेस के सरकार में मंत्री थे, आप दूसरी सरकार में भी विजय बहुगुणा की सरकार में कभी मैं मंत्री थे, सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद से सरकारें बनी थी, उन नेताओं के प्रति आपके पास एक सहानुभूति का शब्द नहीं है? उस कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जिसने सेकुलरिज्म सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, उसके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है? आप अमित शाह को अभी भी कहते हैं कि साहब उन्होंने अगर मुझे बुलाया होता तो मैं ना जाता, मैं ना छोड़ता, मेरे रगों में भाजपा का खून है। तो प्रदीप टम्टा की रगों में तो कांग्रेस का खून है, गांधी जी की नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत का खून है, समाज के कमजोर वर्गों की आवाज का खून है। वो रोती हुई तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, तो ये मैं इसमें कुछ नहीं कहता। अगर ये पश्चाताप होता तो सरकार से 6 महीने पहले 1 साल पहले
आपने इस्तीफा दे दिया होता। मुझे बताएं कि कुछ लोग कह रहे कि एक सीट पे ही हम लड़ लेंगे, दे देंगे। अरे उस लेंसी डाउन में मैं 2012 में मैं लोकसभा का सांसद था जी। राहुल जी ने क्या कहते हैं उस समय एक प्रयोग किया था कि विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कि जो सीटें हम 15-20 सालों से आ रहे हैं वहां पर नौजवानों को वक्त दिया, मौका दे दिया जाए, क्योंकि वहां कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। नौजवान मौका मिलेगा तो अपने भविष्य के लिए आज हार जाएगा, कल को क्या कहते हैं मजबूती करेगा। और उस समय 5-6 टिकट यूथ कांग्रेस के लोगों को दिए थे, मेरे लोकसभा में भी 2 ललित फर्सवाण जी और हरीश दामी को दिए थे जी। वो आज यूथ, आज वो प्रदेश के सक्षम लीडर है। हमारे क्या कहते हैं भुवन कापड़ी जी, उनको मिला था। आज वो कहते हैं यूथ कांग्रेस के क्या, आज मेन कांग्रेस के वो कार्यकारी अध्यक्ष है। अब उसी दौर में हमारी एक बेटी बहन ज्योति रोतेला, उसको भी मौका मिला था। आज आप उसका हक मारना चाहते हैं क्या? मैं अपने तमाम लीडरों से पूछता हूं कि लेंसी डाउन में वो यूथ कांग्रेस के लिए लड़ने वाली जो आज महिला कांग्रेस के झंडे को आगे बढ़ा रही है, उसने भी दावा किया क्या? आप इतने ढंग से अपने एक क्या कहते कार्यकर्ता हो कि, और वो भी महिला कार्यकर्ता है कि जी प्रियंका गांधी कह रही है कि मैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ, जो लड़ने वाली का आप क्या कहते हैं गला घोट देंगे और एक किसी अवसरवादी के रिश्तेदार को आगे आगे बढ़ा देंगे। प्रदीप टमटा जी, जी अकेले हैं या फिर और भी साथ ला रहे हैं वो? मैं नहीं जानता, सब जानते मैं तो हैं। सिर्फ ये, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को कुछ बुनियादी वसूल पर कायम रखना पड़ेगा, राजनीति के कुछ बुनियादी या फिर दूसरों के लिए भी है, ये सब के लिए आज ही सवाल तो सब। हमने कहा कि जो लोकतंत्र के अपराधी हैं उन सब के एंट्री पे वो एक सा ही लॉ लागू होना चाहिए। मैं तो नहीं समझता और तो कोई ऐसी थी नहीं। अगर हरीश रावत अभी ने तो माफ वही कर दिया तो है, हरीश रावत ने माफ कर दिया तो वो हमारे लीडर है, मेरे से बड़े हैं। अल्टीमेटली लेना तो आप तो राहुल जी और सोनिया जी को लेना है, हम उनके सिपाही हैं, जो भी उनका आदेश होगा। ये फैसला हरीश रावत जी को लेना है, आप जानते हैं। मैं हरीश रावत जी से कहूंगा कि मौका मिला है इस समय उनको उत्तराखंड की राजनीति में सुचिता स्थापित करने का। लोग धर्म कर्म की बहुत बात कहते हैं, हमारे वहां भी उदाहरण है। एक बात, अंगद के पांव की तरह आप उड़ जाएं, आप खड़े हो जाइए तो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन के आप क्या कहते कारक बन जाएंगे। आप जिस उत्तराखंडियत को क्या कहते हैं कि लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जिसकी आपने घोषणा की और है भी, मैंने कहा भी एक जगह कि आज 2 लड़ाई है उत्तराखंड में। हरीश रावत उत्तराखंड की उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़े हैं, सारे समाजों की लड़ाई लड़े हैं, और देश में राहुल गांधी इन तमाम सांप्रदायिक फासिस्ट आदर्श के खिलाफ, मोदी के खिलाफ देश की लड़ाई को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आप तो मैं कह रहे हैं अगर हरक सिंह रावत की एंट्री हो गई तो? देखिये मैं साधारण का मैं क्या कह सकता हूँ, मैं लोगों की भावों को, उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ। और जो जो निर्णय आपने उनको बोला ये फैसला गलत हो जाएगा, मैंने ये कल भी किया और आपके माध्यम से भी कह दे रहा हूँ कि राव साहब अब अंगद की पांव की तरह से हम साधारण कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुछ समझिए। वो देहरादून में जो कल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अभी अभी मैं चलते चलते आपके इस इंटरव्यू के लिए भागा भागा दौड़ा था, एक पौड़ी से एक ब्लॉक प्रमुख ने हमसे मेरे को फोन किया कि आप रोकिए, अगर ये एंट्री होगी तो इसका दुष्परिणाम कांग्रेस को पड़ेगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। ये मेरे तक फीडबैक है, नेतृत्व को फैसला लेना। मैं तो साधारण कार्यकर्ता, एक फीडबैक मेरे पास भी है, मेरे पास जी 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 ये है कि वो अकेले नहीं आना चाह रहे, उनके साथ 4 नेता और। अकेले हो या 4 हो, अगर लोकतंत्र के अपराधी हैं तो सलूक तो सबके साथ एक ही जैसा होगा। हरक सिंह जी के साथ अलग और दूसरों के साथ अलग हो
तो ये तो कहीं है नहीं, अपराध तो एक ही है जिन 9 लोगों ने। हाँ मैंने 2012 का दौर भी, आप भी वहां पे मौजूद थे दिल्ली में जब हाँ विजय बोगना को मुख्यमंत्री बनाया था, और 2016 का दौर, जी 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 क्योंकि मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो हरीश रावत जी ने किए थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। जी 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 अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों को सिर्फ एक माफी से आप माफ कर देंगे? सवाल नहीं, अब फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल तो यही होना कि उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की रक्षा फिर कौन करेगा अगर आज आपने उनको माफ कर दिया तो? देखिए तिलक जी, मेरा एक संदर्भ है, कुछ अपराध होते हैं जिनको माफ किया जा सकता है और कुछ अपराध ऐसे होते हैं वो अक्षम्य होते हैं, और लोकतंत्र की हत्या का अपराध अक्षम है मेरे हिसाब से, वो माफ करने लायक नहीं है। भगवान राम ने भी रावण के अपराध को माफ नहीं किया था, कृष्ण ने भी कंस के अपराध को क्या कहते हैं माफ नहीं किया था। बहुत से अपराध होते हैं। आज इस देश की राजनीति में बहुत सी इस देश की जनता ने देखी, राजनीतिक जब दलों उन्होंने की अपने करीबी को मसूरी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन करवाई, तब प्रदीप टंटा जी ने विरोध क्यों नहीं किया? जी जब मैं उन्होंने, देखे, तब विरोध मैंने क्यों नहीं किया? उसमें कोई हमारी भूमिका नहीं है ना, हमने तो किसकी सिर्फ भूमिका? आप ही के माध्यम से ही देखा कि कोई इंटर हो गया, वो उनकी करीबी है या नहीं है, ये भी मैं नहीं कह सकता। आप लोग कहते हैं करीबी जी है वो क्या है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा सामने तो सवाल सीधा सीधा है कि 2016 का जो अपराध है इस देश के लोकतंत्र के प्रति है। अगर हमारी दे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हमको राहत न दी होती तो इतिहास बन गया होता। अगर उत्तराखंड के हाई कोर्ट से हमको न्याय न मिला होता, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो अब तो हम इतिहास बन गए होते। आज एक एक तो सवाल वो का जवाब, दिल पे हाथ रखिए टमटा जी, दिल पे हाथ। हाँ मैं, हाँ हमने कहा ना, हाँ मैं राज्य आंदोलनकारी से बात कर रहा हूँ। आज बिल्कुल राज्य बिल्कुल आंदोलनकारी ये बोले कि कथनी और करनी की परीक्षा है टमटा जी। अब कथनी बिल्कुल और है। करनी की परीक्षा, मैं इसलिए कथनी सवाल और कर रहा हूँ आपसे, आप दिल कथनी पर और हाथ रख कर के बोलिए कि अगर हरक सिंह रावत की एंट्री होती है तो बतौर राज्य आंदोलनकारी प्रदीप टमटा अपने ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ जाएगा, बोल सकते हैं आप? देखिए, मैंने अपनी बात कह दी। इस समय सवाल धरने का नहीं है, इस बार मेरी पार्टी एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जा रही है। हमको 2022 का चुनाव लड़ना है और नहीं, उसके लिए मैं उत्तराखंडियत फिर यहाँ कहां गई? मैंने है, तो कहा था और आज करनी और कथनी की परीक्षा है, और तो आज इसी टमटा जी बोलिए इसीलिए ना इसको। नहीं इसीलिए तो मैं आपके सामने साफ साफ कह रहा हूं कि उत्तराखंड की ये की रक्षा का प्रश्न है, लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है, और इसलिए हरा सिंह जैसे जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपराध किया है वो अक्षम अपराध है, और अक्षम अपराध करने वाले का को मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से राहुल जी से, सोनिया जी से कर वध निवेदन करता हूं, किसी भी सूरत में आप उनको एंट्री न दीजिए। अपने कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के जोश पर विश्वास कीजिए, जिसको आपने देहरादून की सभा में देखा जब राहुल जी आए थे, प्रीतम सिंह क्यों जिद कर रहे हैं अभूतपूर्व। उनको लाने के? करना मैं नहीं जानता हूं वो क्यों कर रहे हैं, कि क्या कारण चाहिए था, है, उनको भी करना अपने चाहिए। कार्यकर्ताओं पर विश्वास होना चाहिए। मेरा उनसे भी निवेदन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी को सरकार के लाने के लायक बना दिया है, और इसीलिए सब हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, और इस राज्य में एक अवसरवादी राजनीति का पटाक्षेप होते हुए देख रहे हैं। हम गलती ना करें, इसलिए मेरा चलिए, प्रीतम सिंह जी से भी अनुरोध है कि वो मैं भी दो अंग। सवाल टमटा जी, हाँ मैं दो सवाल आपसे चलते चलते, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा और आप बहुत इस समय व्यस्त हैं, और हाँ मेरे पास खबर यह है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सच है? अरे नहीं, देखिए मैं चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहा हूं, मेरा लड़ने की? फैसला, मेरे भाग्य का फैसला मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों में है। प्रदीप टमटा बहुत ही साधारण सा कार्यकर्ता है,
लेकिन इस इसलिए मेरी सारी मेरी सारी तैयारी कांग्रेस की जिताने के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा नेतृत्व ही दे सकता है। मैं तो यहाँ अगर कुछ और होता तो मैं दिल्ली की दौड़ लगा रहा होता। मैं तो सोमेश्वर अल्मोड़ा मैं हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हूँ। अच्छा टमटा जी, एक एक ह्यूमर आजकल बहुत फैल रहा है और क्योंकि बहुत कड़वे सवाल हो गए, कुछ मीठा भी पूछ लेता हूँ। बहुत ह्यूमर फैल रहा है टमटा जी। किसी ज्योतिषी ने आपको कहा है कि आपके हाथ में राजयोग है। मेरे को तो एक बार मेरे मैं इनमें विश्वास करता नहीं। मेरी पत्नी, मैं दिल्ली में था, एक छोटा सा घर था, पत्नी स्कूल में नौकरी करती करती थी, वो एक जोशी के पास मुझे ले गई। मैंने मना भी किया, क्या करेंगे? उन्होंने कहा अरे इनके हाथ में कुछ नहीं है, राजयोग कुछ नहीं है। और उसके उनके पुरस्कारों से मैं विधायक बन गया, मैं लोकसभा में चले गया, मैं राज्यसभा में चली मैं चले गया। मैं हाथों की लकीरों पर भी मैं विश्वास नहीं करता, खुद लकीरों को बनाने पर विश्वास करता हूँ। टमटा जी, ये सवाल पता है मैंने क्यों पूछा आपसे? हाँ, हरीश रावत जी ने कहा था कि मैं दलित मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं उनका आभारी हूँ और वो उसको हमको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। देखिए, जब तो से आपको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहता, नहीं नहीं उन्होंने एक दूसरी भावना को था इस पूरे देश में। जब से मोदी सरकार है, ये आरएसएस की सरकार देश में है और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बहुत से राज्यों में कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कई कई राज्यों में दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। लेकिन समाज के सबसे कमजोर तबके को, नारा है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन एक भी पिछले 10-12 सालों में एक भी दलित ना सीएम बना ना डिप्टी सीएम बना। और कांग्रेस को मौका मिला 60 सालों में पहली बार, तो उसने पंजाब में दलित को सीएम बना दिया और उसकी एक लहर पूरे देश में गई और हमारी उत्तराखंड में भी बाव गई। मैं रावत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के दलितों और शिल्पकारों की आवाज को आवाज दे दी कि आने वाले दिनों में कभी कोई ना कोई एक दलित का बेटा, शिल्पकार का बेटा इस राज्य का नेतृत्व करेगा। मैं उनका आभारी हूँ। राजयोग राजयोग मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने तभी आपसे पूछ लिया। वो तो जिसके हाथों में होगा वो उसको मुबारक। मैं तो साधारण कार्यकर्ता, आप सबकी शुभकामना। अब मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट ले रहा हूँ आपका टमटा जी। हाँ, आपको हरक सिंह रावत के चाहने वाले भी देख रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा सवाल फिर मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंडियत से जुड़ा हुआ है, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप टमटा यहाँ से हरक सिंह रावत को क्या संदेश देंगे? फाइनल कमेंट मेरा 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 उनको साफ है कि वो पहले अपने पापों का प्रायश्चित करें। कैसे? उन्होंने लोकतंत्र के प्रति बहुत घोर अपराध किया है, वो खुद जानते हैं वो कैसे कर सकते हैं। वो कुछ समय तक इस राजनीतिक बियाबान से जो वो खुद निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर इस समय जगह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस राज्य की अवसरवादिता राजनीति को खत्म करने का ईश्वर ने एक मौका दिया है। हमारे ऊपर आरोप न लग जाए कि एक तरफ वो खत्म हो रही थी राजनीति में अवसरवादिता, हमने उसको फिर से नया जीवन दे दिया है। टमटा जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बाकी से तिलक जी, आपने भी मुझे अपनी बात को कहने का और राज्य की भावनाओं को कहने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ टमटा जी। धन्यवाद। अगर कथनी और करनी में फर्क हुआ तो तिलक चावला फिर सवाल पूछेगा आपसे। जरूर जरूर जरूर, प्रदीप टमटा की कथनी करने में कोई नहीं, जीवन बहुत ही साफ है, इसलिए आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा और सीधे तौर पर कहा हरक सिंह रावत अगर वाकई में वापसी करते हैं तो ये उत्तराखंड और कांग्रेस के लिए बुरा दौर होगा, और किसी भी कीमत पर हरीश रावत को, हरक सिंह रावत को माफ नहीं करना चाहिए। प्रदीप टमटा ने बेबाक अंदाज से सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र का अपमान होगा। तो क्या वाकई में हरीश रावत खेमा संकेत दे चुका है कि हरक को लेकर कबूल नहीं है?
तो ये थे हमारे साथ प्रदीप टमटा, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।